वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में परिवर्तित किया था। उसके लिए मैं आपको तीन वीडियो बनाए थे, आप उन तीनों वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपके असंतुलित से संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे परिवर्तित किया जाता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो उस वीडियो के कॉमेंट में जाकर के मुझे बताइएगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है। उन सभी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, जिसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे वीडियो आपको वहीं मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज वाले टॉपिक पर हम लोग VVI का मार्क लगा लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये VVI का मार्क मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैं उसमें VVI का मार्क लगवाता हूँ। क्वेश्चन टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार से होते हैं यहाँ हम लोग को पढ़ना है। तो बहुत सारे प्रकार है, हम लोग यहाँ पर हम लोग को क्लास 10 में 12 अभिक्रियाएं पढ़नी है, 12 रिएक्शन पढ़ने हैं। मैं आपको 12 रिएक्शन 3 दिन वीडियो में प्रत्येक दिन 4 रिएक्शन पढ़ाऊंगा, जिससे आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। इन 12 रिएक्शन को जब आप पढ़ लीजिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में से आप याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में इन 12 में से कोई 2 आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। हर साल आता है और हर साल आएगा। इस 12 रिएक्शन में से आपको 2 रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर मिल जाएगा, मतलब 2 मतलब कि 4 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए तीनों वीडियोज को बिल्कुल अच्छी तरह से आप ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है रिएक्शन, उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको एक और नाम से जाना जाता है, संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। मैं आगे इसको लिख दूंगा, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, नाम से अगर आप देखें, संयोजन मतलब जुड़ना, मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके जुड़ जाते हैं तो उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो से अधिक, क्योंकि जुड़ने के लिए कम से कम 2 की जरूरत पड़ेगी, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन, इसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन कहा जाता है, या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो संयोजन नाम से ही, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ करके मतलब संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हमको क्या करना है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ लेने हैं, उसको जोड़ करके कोई एग्जाम्पल करना है। तो मैंने आपको 3 दिन में रिएक्शन पढ़ाया था, उस रिएक्शन में आपके पूरे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं उसी में एक एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ लेके दिखाता हूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस
चार चीजें नहीं, क्लोरीन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन गैस अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस मतलब H2 प्लस क्लोरीन गैस मतलब Cl2 गैस G के रूप में, ये भी गैस क्या बनाते हैं HCl, ये भी क्या हो गया गैस। संतुलित कर लेंगे H दो बार, H एक बार से यहां क्या लगा देंगे दो, Cl दो बार, Cl दो बार, संतुलित पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, एग्जांपल जितना पढ़िएगा उतना आपको बेहतर होगा। इसमें देख रहे हो क्या, दो है कितना बना रहा है एक, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ करना होता है, तो सब लोग कौन से अभिक्रिया करते हैं संयोजन अभिक्रिया करते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर दूसरा देखते हैं, एग्जांपल नंबर दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड नाम सुना होगा आपने, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग काली चूना भी कहते हैं या खारे चूना भी कहते हैं, चूना ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। कैसे, खाली चूना आपका हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, किससे अभिक्रिया कराया जा रहा है जल से, तो क्या बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम क्या बनता है हाइड्रोक्साइड, CaO जो है वो सॉलिड रूप में होता है, ठोस रूप में लिक्विड, ये जल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है वो कौन से फॉर्म में होता है Au, मतलब कि एक्विलियम विलयन वाले फॉर्म में होता है, ठीक है। चलिए इसको संतुलित कर लेते हैं, सी एक बार, सी एक बार, एच दो बार, एच दो बार, ओ एक बार और एक दो बार, ओ दो बार, संतुलित है बनता है, ठीक है। तो दूसरा एक एग्जांपल हमारा ये हो गया, इसमें भी ध्यान दीजिए दो इधर है अभिकारक, दो है मिलकर क्या बना रहा है एक प्रतिफल बना रहा है, जैसे हम लोग कौन से अभिक्रिया कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। और भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, और आप लोगों को पढ़ना है, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, इससे पहले आपको मैंने मैग्नीशियम का उदाहरण दिया था कि जब मैग्नीशियम रिबन को गर्म किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। हिंदी में लिखना मैग्नीशियम ऑक्साइड में लिखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम रिबन का Mg, Mg कैसा होता है तो यहां तो Mg सॉलिड रूप में है, प्लस ऑक्सीजन जो है वो किस रूप में है गैस रूप में है, क्योंकि गर्म किया जा रहा है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म होगा, तो क्या बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO बनाता है। चलिए इसको संतुलित कर लेते हैं, MgO जो है वो भी आपका सॉलिड फॉर्म में ही है, ठीक है। Mg क्या है, धातु है सॉलिड फॉर्म में, O गैस है और MgO सॉलिड है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मैग्नीशियम एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ O दो बार है, यहाँ O कितने बार है एक बार है, तो यहाँ पे क्या लगाना होगा दो, तो O दो बार हो गया, Mg यहाँ दो बार है और यहाँ एक बार है, तो कर लिया। इस प्रकार हम लोगों ने कितना उदाहरण देख लिया, तीन उदाहरण देख लिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं छोटा सा एक और एग्जांपल ले सकता हूँ, यहाँ पर
तो C plus O2 बराबर CO2, ये भी आपका है, दो यहाँ पर है, बन कितना रहा है एक, मतलब दो या दो से अधिक मिलकर के एक का निर्माण कर रहा है। और भी एग्जांपल है, H2 plus O2 बराबर जल, ठीक है। तो इतने सारे एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे तीन एग्जांपल करा रहा हूँ, आपका पीछे वाले से आप देख करके, पीछे जो आपने अभिक्रिया पढ़ा है, अभिक्रिया देख करके इसका दो और एग्जांपल आपको लिखना होगा। आप यहाँ देख लिए होंगे तो मत देखिएगा, फिर आप दूसरा कोशिश कीजिएगा कि दो और एग्जांपल जिसमें संयोजन अभिक्रिया को दर्शाया जा रहा हो, मतलब कि दो इधर अभिकारक हो, इधर कितना बन रहा हो, केवल एक बन रहा हो, ऐसी अभिक्रिया ढूंढिएगा, ढूंढ करके दो बना करके मुझे संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण बना करके होमवर्क में आप मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से संयोजन अभिक्रिया लिख लेते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 plus Cl2 बराबर HCl, CaO plus हाइड्रो जल बराबर CaOH का होल ट्विस्ट, Mg plus O2 बराबर MgO, कंप्लीट। यहाँ पर हमारा ये पहला अभिक्रिया समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम सेकंड अभिक्रिया देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। वियोजन या उसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसका नाम क्या है, नाम से हम लोग क्लियर करते हैं इसको, वियोजन अर्थात किसी भी चीज में से अलग होना, वियोजन मतलब कि अलग हो जाना, मतलब कि जब कोई एक बड़ा अणु मिलकर, वो बड़ा अणु टूट करके दो छोटे छोटे अणु का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे यहां पर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें एक बड़ा अभिकर्मक, यहां पदार्थ भी ले सकते हैं, अभिकर्मक भी ले सकते हैं, पढ़े हैं अभिकारक और प्रतिफल, तो अभिकर्मक को ही अभिकारक कहा जाता है, मतलब रिएक्टेंट। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा अभिकर्मक अभिकर्मक या अभिकारक दोनों कुछ भी सेम है, कोई अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, एक बड़ा अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्लियर है, ये संयोजन का उल्टा है। संयोजन में क्या हो रहा था कि दो या दो से अधिक टूट जुड़ करके एक नया यौगिक बना रहा था, परंतु यहां पे क्या हो रहा है कि एक जो यौगिक है वो दो या दो से अधिक यौगिकों में क्या हो गया, टूट जा रहा है। तो हम लोग कौन से अभिक्रिया कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे इसके एक एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण नंबर पहला देखते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो हम पीछे वाले में एक चीज पढ़े थे, जब कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है, तो गर्म करने के बाद क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। मतलब कि पहला उदाहरण हम लोग का हो जाएगा चूना पत्थर को गर्म करने पर
पर कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अर्थात चूना पत्थर कैसा होता है, तो चूना पत्थर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या किया गया, गर्म किया गया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना CaO, और साथ में CO2 क्या हो गया, बाहर की तरफ निकल गया। कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर है वो सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, और ये किस रूप में होता है, ये गैस के रूप में होता है जो कि बाहर निकल जाता है। क्लियर, इसको संतुलित कर लेते हैं, कैल्शियम एक बार, सी एक बार, सी एक बार, ओ तीन बार, दो और एक तीन बार। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एक अणु दो छोटे छोटे अणु में क्या हो गया, टूट जा रहा है। ठीक, एक और इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे AgCl मतलब कि सिल्वर क्लोराइड को गर्म करने पर Ag मतलब सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, AgCl तो क्या हुआ, Ag प्लस Cl2। AgCl कौन सा है, सॉलिड है, ये भी हमारा क्या है, सॉलिड। अब क्लोरीन क्या होता है, गैस। Ag एक बार, Cl एक बार, Cl दो बार, तो यहां को लगा देंगे Ag दो बार और Ag कितने बार हो जाएगी, दो। उदाहरण नंबर हमारा ये क्या हो गया, दो। अब हम उदाहरण नंबर कितना देखते हैं, तीन देखते हैं, तीन हमारा हो जाएगा। एक बार हमने पढ़ा था पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है, पोटेशियम क्लोरेट, हिंदी में लिख देते हैं पोटेशियम, पोटेशियम क्लोरेट मीन्स के सी एल ओ थ्री, के सी एल ओ थ्री पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, गर्म का चिन्ह यहां भी दे देंगे, गर्म करने पर क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, तो उसका बना दीजिए समीकरण, के सी एल ओ थ्री पोटेशियम क्लोराइड हो गया, गर्म किया गया, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, गर्म करने पे क्या बनेगा, के सी एल और प्लस क्या बनता है, ओ टू बनता है। चलिए संतुलित कर लेते हैं, के एक बार, के एक बार, सी एल एक बार, सी एल एक बार, पहले यहाँ पे सॉलिड लिख देते हैं, यहाँ गैस हो गया। ठीक है, सी एल एक बार, सी एल एक बार, ओ यहाँ पे तीन बार है, यहाँ कितने बार है, दो, मतलब यहाँ इधर तीन है, इधर क्या है, दो है, तो क्या करेंगे हम, इधर तीन है तो इसमें दो से गुणा करेंगे, इधर दो है तो इसमें तीन से गुणा करेंगे, तीन से गुणा करेंगे, तो तीन दो छह बराबर। अब के दो बार, के एक बार, यहाँ दो लगा लेंगे, के भी क्या हो गया, बराबर हो गया, अर्थात टू के सी एल ओ थ्री बराबर 2KCl plus 3O2। इस प्रकार हमने देखा, तीनों अगर समीकरण को ध्यान से देखिए तो इसमें तीर के निशान के इधर अभिकारक की जो संख्या है वो एक है और प्रतिफल की संख्या दो है या दो से अधिक भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं जो आपका होमवर्क रहेगा, आप करके देखिएगा। एक एग्जांपल और मैं यहाँ दे रहा हूँ, किसका, FeSO4 का ले रहा हूँ। जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, Fe2O3, Fe2O3 मतलब
फेरस ऑक्साइड प्लस SO2 बनता है और प्लस SO2 निकल गया और फिर लास्ट में हमारा क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है। ये तीन चीज बनता है, अर्थात यहाँ हमने देखा कि यहाँ एक अणु से कितने बन रहे हैं, तीन अणु बन रहे हैं, तो तीन अणु अलग अलग छोटे छोटे अणु बन रहे हैं, तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया। तो मैं इसको मिटा देता हूं, इसको आपका होमवर्क रहेगा, अपना घर से करना, ठीक है। तो क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जिसमें दो एक एक बड़ा अभिकारक टूट करके दो छोटे छोटे प्रतिफलों का, दो या दो से अधिक छोटे छोटे प्रतिफलों का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने तीन एग्जांपल देख लिया, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में जाना और उसके लिए तीन तीन एग्जाम्पल भी देखे। तीसरा नंबर हमारा जो विस्थापन अभिक्रिया है, वीडियो लंबा हो गया इसलिए मैं आज इसको नहीं दे रहा हूँ, कल के वीडियो में हम लोग विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। आज जो आप लोग का होमवर्क है वह होमवर्क यह है कि आप लोग को जो अभी अभिक्रिया पढ़ाई गई है, जो दो अभिक्रिया पढ़ाई गई है, उस दोनों अभिक्रिया के लिए आपको दो और उदाहरण रखने हैं, मतलब दो और उदाहरण आप लोग को लिखने होंगे, ठीक है। दो दो उदाहरण दोनों के, दोनों के लिए आपको दो दो उदाहरण देने होंगे। और ये उदाहरण आपको कहाँ से मिलेंगे, तो अभी आपको मैंने तीन दिन से जो संतुलित करने वाला करा रहा था उसमें आप ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएंगे। वहां संयोजन के लिए एक से दो बनेगा और वियोजन नहीं, संयोजन के लिए दो से एक बनेगा और वियोजन के लिए एक से दो बनेगा, ऐसा एग्जाम्पल आपको उसमें मिल जाएगा। और मैं ढूंढ करके आप बना करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए यही इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।